हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। एक बहुत एक्सक्लूसिव वैरायटी का फिश है आज इस एपिसोड का। जो पहला फिश है दैट इज नियोपोमा सेंट्रस एजिस्रॉन। इसका कॉमन नेम है येलो टेल डोमिसेल। ये येलो टेल डोमिसेल बहुत एक्सक्लूसिव फिश है, रीफ का वन ऑफ द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल फिश है। और डैमसेल होने के बावजूद भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर जानना है ना आपको, चलिए वीडियो देखिए, उसके साथ ये नॉलेज लीजिए। ये येलो टेल डोमिसेल इंडो वेस्ट पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। साइज 2 से 3 इंच तक होता है, 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डैमसेल्स है डैमसेल के ग्रुप में, जो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल है। ये ग्रुप में रहता है, अपने ग्रुप में रहता है, बहुत शॉल में रहता है। मैं काफ़ी सारा लाता हूँ, बहुत लो कॉस्टिंग भी है, बहुत खूबसूरत देखने में है। ग्रे कलर का है और इसका जो पूंछ है वो येलो कलर का है। इसे ग्रे क्रोमिस, येलो टेल ग्रे क्रोमिस भी कहते हैं, लेकिन वो नाम गलत है, ये क्रोमिस वैरायटी के नहीं है, ये डोमिसेल वैरायटी के हैं। एक्चुअली ये स्पीसीज थोड़ा ग्रे कलर, थोड़ा डल कलर होने की वजह से बहुत लोग इसे ओवरलुक कर देते हैं, इजीली मिलता भी है, ओवरलुक भी कर देते हैं, लेकिन इसे ओवरलुक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डी फिश एंड नेवर द लास्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल फिश। ये आपके टैंक में बहुत पीसफुल बिहेवियर करता है, पीसफुल बिहेवियर इन द सेंस आप अगर इसे डाले, ग्रुप में डाले, बहुत अच्छा लगता है। ये किसी फिश को डिस्टर्ब नहीं करता है, शॉल में बहुत अच्छी तरह रहता है। जनरली एक चीज बता रहा हूँ, डैमसेल शॉल में नहीं रहते हैं। डैमसेल्स को अगर आप छोड़ो पेयर में या 2, 4, 6 में, तो ये पूरे टैंक में डिस्ट्रीब्यूट होकर रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। लेकिन ये डैमसेल पर्टिकुलर येलो टेल डोमिसेल, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप 6, 8, 10 डालोगे तो ये 6, 8, 10 एक शॉल में रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक फैमिली की तरह रहेंगे। ये इस फिश की खासियत है। जो लोग शॉल में मछली पसंद करते हैं, एक साथ रहने वाले मछली पसंद करते हैं, उनके लिए ये फर्स्ट चॉइस है, लो कॉस्ट में और मोस्ट हार्डी फिश में। आज का जो हमारा अगला स्पीसीज है इसी जेनस का, नियोपोमा सेंट्रस बैंकीरी, इसे कोरल डोमिसेल भी कहते हैं। ये हांगकांग सराउंडिंग रेंज और साउथ चाइना में रहते हैं। इसे चाइनीज डोमिसेल भी कहते हैं। ये चाइनीज डोमिसेल डोमिसेल वैरायटी की ही है, कोरल डोमिसेल या चाइनीज डोमिसेल, क्योंकि ये हांगकांग चाइना एरिया में मिलता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड में ये सिर्फ एक ही जगह में मिलता है, हांगकांग साउथ चाइना में मिलता है। ये 2 इंच तक बड़ा होता है। दिस स्पीसीज That tend to appear in shop only by accident. ये गलती से ही किसी दुकान में मिलता है, किसी भी शोरूम में मिलेगा, क्योंकि इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न, ये बहुत खूबसूरत देखने में, बहुत कलरफुल नहीं है। जनरली मेरीन फिश के नाम से हम जानते हैं कि बहुत वाइब्रेंट कलर मेरीन फिश होना है, ये बहुत कलरफुल नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस में नहीं आता है हॉबीस्ट का, ये हॉबीस्ट लिस्ट में लो में आता है। ये हार्डी है, पीसफुल है, रहता है, और ये थोड़ा रेयर भी है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं मिलता है, थोड़ा चाइना रीजन में मिलता है, थोड़ा ठंडा पानी का है, ये गर्म पानी में नहीं रहता है, ये थोड़ा ठंडा पानी का है, थोड़ा ठंड ओशन में, रीफ में, ये कोरल के रीफ में रहता है और बहुत ज़्यादा कैमोफ्लेज होकर रहता है। एक्चुअली इसका कलर ऐसा है कि कोरल रीफ अगर छोड़ दिया जाए तो ये गायब हो जाता है, इसको दिखाई नहीं देता। अगर आप टैंक में इसको डाल भी दोगे तो यूजली ये कैमोफ्लेज होकर गायब हो जाएगा। तो ऐसा फिश रखने का क्या मतलब है जो गायब हो जाएगा, जो आपको दिखेगा नहीं, आपके टैंक में तो रहेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि वो फिश है। और वाइब्रेंट, बहुत वाइबल, इसका कलरेशन भी नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सप्रेस हो जाता है और कभी कभी ही कोई लाता है। इसी जेनस का जो हमारा अगला फिश है दैट इज नियोपोमा सेंट्रस साइनोमोस। इसका कॉमन नेम है रीगल डोमिसेल। ये जो डोमिसेल वैरायटी है, 3 डोमिसेल, येलो टेल डोमिसेल हमने देखा, फिर हमने कोरल डोमिसेल देखा और रीगल डोमिसेल देखा। इनका जो फीचर्स है तीनों का सेम है और तीनों में से ये सबसे बड़ा होता है, 3 इंच तक बड़ा होता है। नेचर ओवरऑल सेम है। ये भी वेस्ट इंडो वेस्ट पैसिफिक में मिलता है और साउथ चाइना सी में मिलता है। ये भी थोड़ा ठंडा पानी में रहता है, शॉल में रहता है, पीसफुल बिहेवियर है, हार्डी है और पीसफुल इन नेचर है, किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, शॉल में रहता है और सारे फूड हैबिट भी इसका बहुत कॉमन है, सब फूड में रहता है, बहुत ईजी टू कीपिंग है और बहुत वाइब्रेंट कलर नहीं होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आज इसी एपिसोड में हम एक और जेनस के स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जेनस में सिर्फ 2 ही स्पीसीज है,
ये स्टेगास्टिस जेनस का है। स्टेगास्टिस जेनस का बहुत एक इंटरेस्टिंग डैम्सल है, स्टेगास्टिस सिमसेंग। इसका कॉमन नेम है मोलुका डैम्सल। ये इंडो वेस्ट पैसिफिक में पाए जाते हैं और 3 इंच तक बड़ा होता है। बाकी डैम्सल के तरह बहुत खूबसूरत भी है। इसके ऊपर भी एक नियॉन ब्लू रेक है, नीचे का पोर्शन येलो कलर है, फेड येलो कलर है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये शुरुआती दौर में तो बहुत पीसफुल रहता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद ये काफ़ी एग्रेसिव होता है। ये भी एग्रेसिव डैम्सल्स में है। ये सक्सेसफुल कैप्टिव में ब्रीडिंग भी हो रहा है सक्सेसफुल कैप्टिव में, और ये जनरली सारे खाना एक्सेप्ट करते हैं। आप इसे रख सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा टेरिटोरियल है, बड़े फिश को ज़्यादा नहीं मारता है, छोटे फिश को थोड़ा चेस करता है, दूसरे डैम्सल को थोड़ा ज़्यादा चेस करता है। और ये बहुत अच्छा कलरफुल है और इंडो वेस्ट पैसिफिक में पाया जाता है। ये इजीली अवेलेबल भी है और मीडियम रेंज में मिलता भी है। इसी जेनस का, स्टेगास्टिस जेनस का एक और स्पीसीज, दैट इज स्टेगास्टिस वेरियबिलिस। स्टेगास्टिस वेरियबिलिस जिसे कोकुआ डैम्सल कहते हैं, ये ट्रॉपिकल वेस्ट अटलांटिक कैरेबियन में पाया जाता है। कोकुआ डैम्सल वन ऑफ द मोस्ट हार्डी, गुड कलरेशन, और वेस्ट अटलांटिक कैरेबियन में पाया जाता है। ये थोड़ा डार्क वाटर में रहता है, मीन्स थोड़ा ठंडा पानी में और गहरे पानी में रहता है। ये 5 इंच तक बड़ा होता है। जैसे हम कुछ डैम्सल देखे जो 1-7 इंच बड़ा होता है मैक्सिमम, 1-6 इंच बड़ा होता है मैक्सिमम, पिछले वीडियो में देखे, और इस वीडियो में हम देखें ये 5 इंच तक बड़ा हो सकता है। कलर तो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो कोकुआ डैम्सल स्टेगास्टिस वेरियबिलिस। ये डैम्सल का एक्वेरियम बिहेवियर है, ये बहुत खतरनाक भयानक डैम्सल है। ये एक्वेरियम में दूसरे स्पीसीज को बहुत ज़्यादा बुली करता है। ये बहुत ही डरावना डैम्सल आप कह सकते हो, स्कैरी डैम्सल कह सकते हो। ये सारे डैम्सल को अगले जो भी इसको रखोगे तो और कोई डैम्सल आप नहीं रख सकते हो। जितने भी डैम्सल है सारे डैम्सल का बाप है ये, सबको मर्डर कर देगा, सबको बुली करेगा, सबको मार देगा। ये इतना ज़्यादा टेरिटोरियल है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, और ये बहुत रफ और रश डैम्सल है। ये हार्डी तो है ही, सारे डैम्सल हार्डी है, ये हार्डी तो है ही, छुपना पसंद करता है, डार्क स्पेस में रहता है और हिडन छुप छुप के दूसरे डैम्सल को बुली करते हुए मर्डर कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिला। ये मछली के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लग रहा है ये हमारे कमेंट में बताइए। हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके, आपको कुछ नॉलेज मिल सके। सो सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम वीडियो काफ़ी फास्ट डाल रहे हैं, आप देख रहे हो हमारा वीडियो काफ़ी फास्ट आ रहा है। आने वाले दिन में इसी फास्ट फ्रिक्वेंसी के साथ वीडियो आएगा। बीच में हमारा वीडियो काफ़ी स्लो हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं आपके लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं, वीडियो कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।